पीएम मोदी ने गुरुवार को मेरठ में रैली के जरिए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया और इसी के साथ में 2019 के सियासी महासंग्राम का भी आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने जहां पर यूपी में महागठबंधन को तुलना शराब से की तो वहीं पर कांग्रेस के न्यूनतम आय के वादे पर शिकंजा कसा है। वहीं उन्होंने माफी मांगने की बात भी कही तो वहीं पर अखिलेश यादव ने यह कहकर के मोदी पर हमला बोला कि नफरत को बढ़ावा देने वालों को शराब और शराब का अंतर नहीं पता। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में चुनाव अभियान का आगाज करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया। गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के कांग्रेस के वायदे पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो गरीबों का खाता तक नहीं खुलवा सके वो पैसे क्या उनके खाते में डालेंगे। सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है क्योंकि पीएम ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद तो कर दिया, साथ में उस शंखनाद के जरिए उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस पर हमला किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वो इस जनसलाब को देख सकता है। भारत मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।